पाजी, आज हमारी सोसाइटी में एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं, ये बड़े ही अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, ये एक्टर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, क्या क्या हैं, और ये हमारी इंडस्ट्री के सबसे फिट और हैंडसम हैं। वाह, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी टैलेंटेड हिमेश रेशमिया सर। इतनी एनर्जी। कपिल शर्मा माइक ठीक है चल रहा है सर? आपके भी ये लेपल भी है, बहुत ज्यादा बजट है, दो दो माइक। ये फिटनेस का राज इनसे सीखा है, ये देखिए कितने पतले हो गए हैं और फिट हो गए हैं, अब एब्स भी निकले आएंगे। अच्छा सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। नई एनर्जी लेके आए आप, और पाजी मुझे तो लगता है स्टेज ही फाड़ देंगे आज। पाजी देख लो, हिमेश सर ने इतने हिट हिट सॉन्ग, सुपर डुपर हिट, और वो भी बैक टू बैक, ढेर सारा पैसा कमाया, भगवान आपको और दे, इतनी लंबी गाड़ी में आए हैं, किस चीज की फिक्र है, क्यों सूखते जा रहे हैं आप? देखिए, नाक से गाने में आदमी दुबला हो जाता है, ये राज की बात मैं आज आपके शो पे बता रहा हूं। आप लोग नाक से मत गाइएगा, क्योंकि नाक से गाने में 10 times एनर्जी लगती है सर। पर सर हमें तो नहीं लगता आप नाक से गाते हैं। मुंह आप, मैंने माइक देखा, आपने इधर रखा हुआ था, इधर तो रखा ही नहीं था। अभी जो लोग कहते हैं वो बेवकूफ हैं। नहीं नहीं, वो लोग प्यार करते हैं, और देखिए नाक की वजह से ही कुछ हो सका है मेरा, तो मैं समझता हूँ नाक से गाना अच्छा है। नाक बची हुई है सर, और क्या चाहिए। हिमेश भाई आपको याद है कितने 100 गाने बना चुके होंगे आप अभी तक? अभी 700 टच करने वाले हैं। क्या बात है, 675 के ऊपर हो गए, 115 फिल्में हो गई। तो आपसे मौसीकी का अभी कितने मिलियन हो गए? 25 मिलियन हिट्स हो चुके हैं, यहाँ सिल्वर जुबली एपिसोड बनाने आए हैं हम लोग। कपिल शर्मा शो के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी उससे 10 times ऊपर जाना, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। थैंक यू सर। और वो आज इन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि मुझे ऑलवेज लग रहा है कि जब एक प्रोजेक्ट आपका बहुत हिट होता है तो उसके बाद जब आता है तो बहुत उस पर नज़र रहती है, और वो चीज़ आपकी कमाल की टीम ने कमाल कर दिया। और कपिल शर्मा शो के लिए मैंने एक गाना भी बनाया है। क्या बात है सर, और कमाल गाना। वाह जरूर, और मैं सोच रहा हूँ कि ये गाना आप अपने जिंगल में ले लोगे सर तो और बहुत मजा आएगा। कौन करो? फटाफट सर, फटाफट तो ट्राई कर ले। अरे ओके, आर यू रेडी? आशीषा आप मेजर मूड लाइटिंग महंगी वाली। भूल जाओ गम, वाह, सिंधु जी के संग हंसते रहो, ये है कपिल 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 शर्मा शो, ये है कपिल 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 शर्मा शो, ये है कपिल 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 शर्मा शो। क्या बात है, प्यार हो गया आपसे। इतना अच्छा आपने गाना बनाया, बदले में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सरकार। सर इस एपिसोड के बाद ये जैकेट आप मुझे दे देंगे तो आपकी मेहरबानी। अभी एपिसोड के बाद, अभी मैंने अभी ये पहनी हुई ना, अभी पहले मैं जिसकी ये उसको वापस करूंगा, फिर मैं ये पहनूंगा। आई लव यू सर, आई लव यू। आइए हिमेश सर। ओए गा आप रहे थे, मैं थक गया। सुपर एनर्जी बाजी, क्या बात है। तो हिमेश भाई आपने मतलब माशाल्लाह, अच्छी बात है जी जी, एक्टर हैं आप, प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, काफी डिपार्टमेंट आपने संभाले हुए हैं, तो ये टैक्स से बचने के लिए कि किसी को काम नहीं देना चाहते? नहीं, अभी नई नई चीजें करने का शौक है, और लगे रहो मुन्ना भाई अपनी फॉर्मूला है बस। क्या बात है, यही होना चाहिए। अच्छा हिमेश भाई की जो एल्बम है ये आपसे मौसीकी, 25 मिलियन ऑलरेडी हिट हो चुके, एक बार फिर से तालियां बनती हैं भाई। जो मौसीकी होती है, संगीत जैसे कहते हैं आपसे मौसीकी, तो इसमें सब कुछ मौसीकी होती, मौसा का कुछ नहीं। देखिए मौसीकी एक ऐसा वर्ड है जिसकी म्यूजिक हम लोग एवरीडे जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ड शायद ही बहुत कम लोग जो जानकार हैं वो जानते हैं, तो मुझे लगा उर्दू के, तो मुझे लगा कि मौसीकी पे एक ये एल्बम होना चाहिए, बिकॉज मौसीकी मीन्स म्यूजिक। लेकिन बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि कपिल शर्मा शो पे आकर ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई मौसा काका क्या होगा।
बड़ा आउटस्टैंडिंग नॉलेज बढ़ाता रहता है सर थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब अच्छा हमेश भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती सारी मेहनत आप करते हो सारा कंपोज करते हो गाते भी हो उसके बाद नाम आप क्रेडिट दूसरों को देते हो आपका सुरूर आपकी मौसीकी करते तो सर आप हो आपका क्यों मतलब यू लाइक अरविंद केजरीवाल सर आपका जो टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर आप मुझे मेरी एनर्जी के लिए कहते हैं ये टाइमिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप में आता है आपसे कहां से आता है मैं तो पूरी क्रेडिट आपको देता हूं अब आपने ना तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी अब मैं शर्मिंदा रहा हूं कि सच्ची में तारीफ कर रहे हैं कि मेरी खिंचाई कर रहे हैं सर आपकी कोई खिंचाई कर नहीं सकता थैंक यू सर क्योंकि आप जेन्युइनली उस टैलेंट ट्रू टैलेंट जो आउटस्टैंडिंग थैंक यू सर दो लाइनें और Superb, fantastic, outstanding, mind-blowing. और एक नया वर्ड historic. Oh. एक लाइन और थैंक यू मैं मजाक कर रहा हूँ बैठिए सर आप जैसे स्टार्क से जब ऐसी इंस्पिरेशनल बातें सुनने को मिलती ना सर तो और एनर्जी आती बॉडी में अब ये जो शो है एक्चुअली सर ये त्योहार जैसा है लोग इतना प्यार करते हैं और ये त्योहार सालों साल चलता रहेगा अब आपके प्यार की वजह से शुक्रिया हिमेश भाई ने बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो है वो अपने म्यूजिक में जो मौका दिया बहुत सारा टैलेंट हमें दिखा और इस बार इन्होंने एक इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो मौका दे रहे हैं तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड यूलिया थैंक यू वेरी आई लव यू आई मीन लव यू टू ओके इट्स डन नो अभी तो शुरुआत हुई है कैसे कैसे आइए प्लीज ओके कम सिट हियर यूलिया आपका बहुत बहुत स्वागत है आई डोंट वांट टू बी टू क्लोज नो इट्स डेंजरस नो इट्स टू डेंजरस टेक माय गद्दी आल्सो हाउ स्वीट थैंक यू यू वेलकम थैंक यू सो हाउ आर यू आई एम वेरी वेल थैंक यू यूलिया यूलिया आपका नाम बेसिकली यूलिया यू यस pronounce Yulia. Yulia. And yeah. The spellings are I-U-L-I-A. So I... Thank God matlab? You know. I mean, why Thank I? Thank God. Why? Everyone is calling me Lulia, Lolia. But Lolia I like. Because it's coming from a kid that I love. So, Agar Lolia, Indian, kisi Yulia. Indian ne aapka naam Yulia, Lolia bhi bol diya, toh samjho Holia. Matlab kaafi hai humare liye. Humare idhar... Aise naam jo hote hain, humare idhar nahi milte. Humare milegi Renu. सुमन हो गई ओके हाँ यूलिया तो हम मर ना जाते अभी तक तो मतलब वही बात है कि आई जो है आई क्यों मतलब लगता है कि यू आर सेइंग दैट आई यूलिया आई यूलिया तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि यू आर यूलिया हम तो नहीं यूलिया नहीं यू आई टोल्ड यू फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन यू आस्क्ड मी व्हाट्स माय नेम यूलिया Yulia, you, Lia. Man. Yulia. Yulia. Yes. आपने कुछ लिया? Juice लिया? Juice लिया? I mean, would you like to have something? वैसे मैं अपने किसी guest से नहीं पूछता, but आपके लिए special 20 रुपए का budget रखा हमने. उसके under कुछ आप मंगवा सकती हैं. Green tea, juice? Black coffee. सीताफल juice. सीताफल mango. नहीं सीताफल. नहीं, you have. But. सीताफल यार सीताफल बड़ी देर बाद सुना मैंने शब्द व्हाट यू कॉल सीताफल इन इंग्लिश पाइनएप्पल नो कस्टर्ड एप्पल या इट्स माय फेवरेट फ्रूट हियर सीताफल तो मैंने खाया कस्टर्ड एप्पल का नहीं मेरे को आईडिया यू डोंट लाइक इट आई लाइक वेरी मच आई मीन आई लाइक यू तो आई लाइक सीताफल आल्सो सीरियसली सीताफल जूस आना चाहिए दादा पता क्यों ना आया बहुत बेचती फिर काय का हिट शो है जूस ही नहीं आया तो जूस सीताफल सीरियसली इधर आइए इट्स ओके आई अप्रिशिएट द एफर्ट इट्स फाइन नो आई विल द एफर्ट इज आई विल कॉल जूस वाला हेयर सीताफल जूस लेके आना ठीक है हाँ इफ नॉट शुगर केन जूस शुगर केन जूस गन्ना होता ना गन्ने का जूस भी चलेगा तो हैं इफ नॉट सर कुछ नहीं लेंगे सर अच्छा पाइनएप्पल जूस पाइनएप्पल एक चीज बताओ कंफ्यूज कर रहे हो आप एक काम करो फ्रूट वाले को बोलो टोकरी लेके आ जाए जिस जिसका जूस निकालना होगा निकाल देंगे अब जाओ थैंक यू
You're welcome. You tell me, what should we talk? I don't know. I mean, you ask me. Are you curious? In what you are comfortable. I can talk on anything. I'm very comfortable here. Look at this audience. They are so nice. Yeah. Yes. They are nice. They have to be nice because entry is free, na? We are not charging anything. But I'm sure they love it here. You like it here? Yeah! I like it. The energy. You don't feel that you are sitting in for a TV show. It's like a rally. We are going to elect. बहुत अच्छा लगा या बहुत अच्छा अरे हिमेश भाई आप इतनी दूर क्यों बैठे हैं सरकार मैं वो वर्ड सुनने के लिए उत्सुक हूं यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ उत्सुक नो आई एम वेरी एंग्री आई एम टू सी यू उत्सुक मींस हैं ईगर 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 उत्सुक होता है बोला ईगर उत्सुक होता है कीन पूछा मैंने कीन 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 हेलो तो प्लीज वो जो कीन हो आप वो लाइन बोली थी मैं बहुत कीन हूँ कि ये वो पहला शब्द कपिल शर्मा शो पे जो हिंदी का बोले जो ऑडियंस पहली बार यूलिया से हमेशा हिंदी गाना तो सुन चुकी है और हिंदी में डायलॉग भी सुन ले लेट द ऑडियंस से दैट वर्ड फर्स्ट टेक जूस प्लीज आई एम मोर वरीड अबाउट योर हेल्थ सारे एप्पल मंगा लिए दिस जूस आई एम वरीड अबाउट माय हेल्थ टू ऑनेस्टली एक काम करना मैं थोड़ा सा मेरे को दे देना प्लीज टेस्ट इट फॉर मी फर्स्ट टू बी श्योर चेक करूं प्लीज स्ट्रॉ के साथ के खोल के ऐसे ही मेरे को स्ट्रॉ में मजा नहीं आता थोड़ा आता है क्वांटिटी बहुत कम आती है हमारा मुंह वाह पूरा इट्स गुड आई कैन सी इट ऑन योर फेस इट्स वेरी गुड मैं पी लेता हूं Keep it for later then. आपको नहीं देना. I'm not so thirsty now. It's fine. No, it's very tasty actually. Yeah, yeah, yeah. You can have. Yeah, thank you. It's very safe. Thank you. You're always welcome. अच्छा हिमेश भाई एक बात बताइए आपको यूलिया से गाना गवाने का ख्याल कैसे आया? I mean, देखिए आपने इनको गाते सुना था कहीं? तेरी मेरी प्रेम कहानी दो लफ्जों में बयान ना हो पाए ये गाना का जो जर्म है वो यूलिया की वजह से है. क्या बात है? यूलिया ने मुझे वो गाना फोन पर सुनाया था. सलमान भाई ने मुझे कहा रात को फ़ोन करके कि ये ट्यून सुन. अच्छा. तो मैंने इनसे बात की और इन्होंने वो लाइन रोमानिया की लैंग्वेज में सुनकर मुझे लगा कि वेरी डिवाइन वॉइस मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वॉइस जी जो धमाका मचा सकता है. उस वक्त मैंने ये सोचा था कि एक गाना मैं उनको डेफिनेटली ऑफर करूँगा और मैंने एवरी नाइट एंड डे आपसे मौसीकी एल्बम का गाना उनको भेजा. उनको पसंद आया जी. वो यहाँ पर आई उन्होंने जब डब किया और फ्लैट दो घंटे में डब किया विदाउट एनी पिच करेक्शन. इस गाने में इनके लिए कोई ऑटो ट्यूनिंग नहीं की गई है. वो आप अभी भी लाइव जब सुने तो आपको लगेगा एंड शी इज सो परफेक्ट इन हर सुर. गाना तो आपने एवरी नाइट एंड डे उनकी आवाज में सुनी लिया लेकिन तेरी मेरी का वो जर्म मैं जरूर चाहूंगा कि वो पहली बार सुने जिससे मैं इंस्पायर हुआ था. यूलिया आपने मतलब आपकी जितनी तारीफ हुई है मैं सोनी टीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहां पे तो यूलिया के लिए तालियां बजाई जाए और क्राइम पेट्रोल वालों को भी कहा जाए कि वो भी बजाएं. इंडियन आइडल वालों को भी कहा जाए कि वो भी बजाएं. सब शो में तालियां. बगल में दूसरे चैनल्स के भी चल रहे हैं सब तालियां बजाएंगे आपके लिए. यू आर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू वेरी मच. और ऐसा खूबसूरत थॉट जो होता है यूलिया Yes. ये ऐसे खूबसूरत लोगों के दिलों में से ही आता है. You got what I said? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. He is saying you're beautiful. मैं समझा दूँ? समझा दो आपको. आपको ज्यादा समझ आ रहा आज मेरे को पता है. देख के उसको दिल हसीन सपनों में खो गया है. अरे उसके सामने तो आईना भी मदहोश हो गया है. अब तक तो बस लोकल कॉल लगते थे यहां से. आज तो महफिल का माहौल इंटरनेशनल रोमिंग हो गया. ही इज द मिस्टर सिद्धू. आई नो हु इज माय नेम. सो ही इज ओनली सर आप ट्रांसलेट कर दीजिए. ओके आई विल एक्सप्लेन यू. ही इज अ मल्टी टैलेंटेड गाय. यस एंड ही नोज एवरीथिंग. यस इफ यू टॉक टू हिम About Indian politics, American politics, Bollywood, Hollywood. He knows everything. About and Romanian politics, maybe? Yeah, everything. No. When Google don't have anything, Google okay. types Sidhu. That's a good one.
मैंने मैंने प्रेस की आपकी, मैंने इतनी खूबसूरत तारीफ की इंग्लिश में। पाजी यार आप, मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई आपके बारे में, मैंने ये तो बताया नहीं कि 1990 में जीरो पे आउट हुए थे। मैंने I'm impressed. I don't need Google, I have seen it. चल आगे बात हूँ। बातें बातें चलो जितनी भी समझ में आ रही, मजा बढ़ा रहा है। एक्चुअली यूलिया आप में और मेरे में काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। आप रोमेनिया से हैं? Yes. मैं रोमांटिक हूँ। I mean, अरे वाह। हमारा रोम रोम तो मिल ही रहा है। So, is there any chance of ants left? बाकी जो ants बच गया, रोम तो मिल गया। Okay, I मुझे नहीं लगता। कुछ और बात करते हैं। Listen to this. Okay. हाय रे मेरे भोले पंछी, पर ना उल्टी परिया। साथ करी है मेरी 16 सखिया रे, तेरे जैसे मैंने चोदी देखे हैं मर जाने, संग सुना के इंग्लिश के जो दायर सी डाले, क्योंकि बेबी को बेस्ट पसंद है। मुझे बेबी पसंद है। So how you are so romantic? It's just you know who is the who is the romance king in Bollywood? Of course I know. Yes. And be careful, don't who mess know? Up with my friends. Shahrukh is your friend? फिर तो मेरे से रोमांस क्यों करेंगे? ये तो डीलर को जानती हैं सीधा ही। हम तो थोक परचून वाले हैं, डोर टू डोर सेल वाले। ओके, आई विल नॉट आस्क यू एनीथिंग लाइक दिस आफ्टर दिस बेइज्जती, बट आई एम हैप्पी यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू मी। आई एम हैप्पी टू, एंड ही इज ऑल्सो हैप्पी। वी बोथ एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज नेक्स्ट टू मी। थैंक यू।